प्यारे दोस्तों, फिल्मीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर के साथ। दोस्तों, आज वीडियो में आप जान पाएंगे कि धर्मेंद्र के घर से लाए स्क्रिप्ट पहुंच गए नए नवेले एक्टर के पास। बॉलीवुड को दी 11 ब्लॉकबस्टर और 11 सुपरहिट। दोस्तों, बात कर रहे हैं एक ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जिन्होंने धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट दे दिए थे, फिर उनसे स्क्रिप्ट वापस ला लिए थे और किसी दूसरे एक्टर को दे दिया और उस एक्टर को सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं वाकया इस वीडियो में पूरा। बस आप सभी इसके वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर ऐसे ही सुनने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए एक्टर और डायरेक्टर हर तरह का पैंतरा अपनाते हैं। कभी कोई डायरेक्टर मंदिर जाकर आशीष लेता है और कोई बस और ट्रेन में जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करता है। लेकिन कई बार अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्टर और डायरेक्टर की किस्मत ही बदल जाती है। आज से करीब 50 साल पहले एक ऐसा वाक्य हुआ जब एक फ्लॉप एक्टर की किस्मत ही बदल गई। एक दो नहीं बल्कि 11 फ्लॉप फिल्में दे चुके इस कलाकार का भाग्य ऐसा पलटा कि उन्होंने बॉलीवुड के 11 ब्लॉकबस्टर फिल्म दे डाली। इस कलाकार की पहली सुपरहिट फिल्म तो ऐसी थी कि जिसकी स्क्रिप्ट डैशिंग एक्टर धर्मेंद्र के पास थी। धर्मेंद्र ने वह स्क्रिप्ट डायरेक्टर को दी और फिर क्या था, सिनेमा के इतिहास में एक क्लासिक कल्ट फिल्म जुड़ गई। दोस्तों, लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद 11 ब्लॉकबस्टर, 11 सुपरहिट और 20 से ज्यादा हिट फिल्में देने वाले कलाकार कोई और नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक फ्लॉप हीरो से महानायक बनने की कहानी और वह पहला कदम जिसने अमिताभ बच्चन की किस्मत ही बदल दी। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनने के पीछे फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अमिताभ और प्रकाश मेहरा ने एक दो नहीं बल्कि कई सुपरहिट फिल्म बॉलीवुड को दी हैं। पिछले दिनों प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत ने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन और पिता प्रकाश मेहरा की जोड़ की कई अहम राज खोले। दोस्तों, फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने बॉलीवुड के सफर की शुरुआत करने वाले अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड मिला था। हालांकि इसके बाद उनकी किस्मत ने ऐसा मुंह मोड़ लिया कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 11 फ्लॉप फिल्में दे डाली। बिग बी अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसे शायद ही कोई जानता होगा। दरअसल जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र के पास थी। धर्मेंद्र फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर प्रकाश मेहरा से मिले और प्रकाश मेहरा को फिल्म की स्क्रिप्ट खासी पसंद आई, लेकिन वह फिल्म के लीड रोल का चयन बेहद सावधानी से करना चाहते थे। शुरुआत में धर्मेंद्र भी इस फिल्म को करना चाहते थे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने फिल्म को करने में असमर्थता जता दी। इस बीच प्रकाश मेहरा धर्मेंद्र के घर गए और उनसे स्क्रिप्ट ले ली। दोस्तों, फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर प्रकाश मेहरा सुपरस्टार देवानंद से भी मिले थे। हालांकि देवानंद ने इस फिल्म के कुछ गाने जोड़ने को कहा, लेकिन प्रकाश मेहरा मानते थे कि इस फिल्म में इंस्पेक्टर का किरदार बेहद संजीदा है और ऐसे में उन्होंने फिल्म में गाने जोड़ने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि जब फिल्म बनी तो अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में डांस नहीं किया था। प्रकाश मेहरा के बेटे पुनीत ने बताया कि धर्मेंद्र और देवानंद के फिल्म बना करने के बाद इस फिल्म के लीड एक्टर की खोज उनके पिता लगातार कर रहे थे। इस बीच प्राण ने प्रकाश मेहरा से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें बम्बई टू गोवा फिल्म देखनी चाहिए, वहां जाकर उनकी जंजीर फिल्म के एक्टर की खोज खत्म हो जाएगी। पुनीत से बातचीत में आगे बढ़ाकर बताया कि पिता फिल्म बम्बई टू गोवा देखने गए और थिएटर में ही चिल्लाने लगे, मिल गया, बस यहाँ उनकी लीड एक्टर की खोज खत्म हुई और उन्होंने जंजीर फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया। जब तक बैठने को कहा न जाए, खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की यह डायलॉग उस फिल्म के लिए बहुत ही जबरदस्त मशहूर हुआ था। ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर का यह डायलॉग शायद ही कोई भूल सकता है। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन का वक्त ही बदल गया और उन्होंने एक के बाद एक 11 ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में दे डाली। आज भी एक्टर और फिल्म मेकर के रूप में अमिताभ और प्रकाश मेहरा की जोड़ी को बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ जोड़ी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबर आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश की वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे हमें, वहाँ फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।